गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली यहाँ 7 AM पर आपको देते हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके हर एक एग्जाम, चाहे पुलिस का हो, BEO हो, UPPCS, चाहे टीचिंग, सबके लिए हिंदी फुल कवर होगी। तो कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था कि विभीषिका कैसे लिखते हैं। तो विभीषिका इस तरीके से लिखा जाता है आपका। तो इसका सही जवाब किसने दिया? काजल मैम ने दिया, तृप्ति मैम ने दिया, अतुल जी ने दिया है, सोनिका मैम ने लिख के बताया है, हर्षिता जी और शिवानी जी, दीक्षा मैम, राहुल जी, कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट और तृप्ति सोनी जी, इन लोगों ने इसका सही जवाब दिया। आज का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एंड में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा ट्रिक्स बताऊंगा ना आज मैं आपको, तो आप भी देखेंगे कि फ्री वीडियोज़ में इतना कहां से मिलने लगे। इसमें से किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? क्या बताना है इसमें? विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब स्कूल क्या आ गया? विदेशी आ गया ना। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। कौन सी यात्रा? बस आ गया ना। बस, बस क्या होता है? इंग्लिश का होता है। स्कूल बस इंग्लिश का होता है। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। क्या आ गया? रेलवे स्टेशन। ये भी किसका है? इंग्लिश का। और इसे रेलवे स्टेशन वो हिंदी में क्या कहते हैं? लौह पद गामिनी गामिनी विराम स्थल, विराम स्थल, लौह पद गामिनी विराम स्थल। अगर आपसे कहता रेल, रेलवे, रेल को क्या कहते हैं? लौह पद गामिनी कहते हैं, और रेलवे स्टेशन विराम स्थल। तो इसमें ये तीनों किसके हैं? ये तो विदेशी भाषा के हैं। मगर जो आपका कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये आपका विदेशी भाषा का नहीं है, ये अपना देसी भाषा है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखो, आदमी, आदमियों की तो जाति होती है ना, औरतों की भी एक जाति है, पूरा एक ग्रोह हो जाएगा। अब मैं कहूँ औरत, तो ऐसा तो है नहीं कि एक औरत आए, ये पूरी औरत बोलने पे पूरी औरत जाति। अगर कहूँ कि औरतें बहुत काम करती हैं, औरत बहुत घर में मेहनत करती है, तो पूरी जाति के बारे में कह रहा हूँ ना, किसी एक औरत के बारे में तो कह नहीं रहा हूँ। एक औरत के बारे में कहता तो कहता कि सीता बहुत मेहनत करती है, तो सीता क्या हो जाता है? यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता। मैंने कहा विद्यार्थी जीवन में परिश्रम बहुत है, तो मैंने कहा पूरी विद्यार्थी जाति का बोध कराया। अगर मैं कहूँ भारत, क्या कहूँ? भारत। अब भारत में ऐसा तो नहीं, भारत तो एक ही है ना देश। अब ऐसा तो है नहीं कि 193 कंट्री हैं UN के अंदर, तो भारत एक ही है, उसमें क्या है? भारत एक। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द होते हैं 1000 से ऊपर, इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको केवल एक ट्रिक बताई, इतना तो याद रख लो। इस तरीके का रेफ वाली मात्रा जहां होगी वो तत्सम होता है, ये बोला था मैंने आपको, या बोला था शा जहां पे आ जाए ये तत्सम में आता है आपका। ठीक है, क्षत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन वाले जो आते हैं वो आपके किस में होते हैं? तत्सम में होते हैं। तो यहां कौन सा हो जाएगा? इस पर चढ़ रही है ना रेफ वाली मात्रा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप इसे लिख लेंगे, जिससे आप पेपर में देखते ही एक सेकंड में आंसर है। इसमें से किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आपको क्या बताना है? किसकी कोई मात्रा नहीं। अब बड़े आ की क्या होती है? ये डंडा होता है ना, ये डंडा एक किसका होता है? बड़े आ का। अब ए है, ए लिख रहा है, तो इस पर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा मानी जाती है। दिख नहीं रही है मगर वो मात्रा है, उस पर एक है। अगर ये ए इस तरीके से लिखा होता ना, तो ये दो मात्रा मानी जाती है इसकी। ठीक है, अब ये ओ है, क्या है? ओ। अब इसकी भी मात्रा क्या है? ये दे रखी है, मगर जो ये आ है इसमें ये मात्रा छुपी रहती है, और इसकी कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा मानते हैं? एक मात्रा मानते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अ ई उ और री, इनकी तो एक एक मात्रा होती है, इन चार की, क्योंकि ये कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर। और जितने बाकी बच गए आपके 7, क्योंकि स्वर कितने होते हैं? 11, तो जो 7 बच गए ना वो सब दीर्घ होते हैं, और उन पर मात्रा चढ़ती है 2, और जहाँ 2 मात्रा चढ़ती है ना उसे एस से बताते हैं, और एक मात्रा को एक डंडे से। ठीक है, जब आपके अलंकार में जाओगे ना, छंद में जाओगे, सममात्रक छंद, विषम मात्रक छंद, तो उनमें ये मात्रा लगा के ही निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है? थोड़े समय का ही या थोड़े दिन का ही जो सुख होता है उसे 4 दिन की चांदनी कहते हैं। और जिसमें ना आ जाए, जहाँ पे भी आपके ना आ जाए, वो सब क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। तो चांदनी, ना आ रहा है ना, ना 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 ना, इस तरीके से आप निकाल लेंगे कि ये मुहावरे हो। जिनके पीछे ना नहीं आता वो होते हैं आपकी लोकोक्ति। मुहावरे क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा भी आजकल पूछा जा रहा है। ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? ये पूरा वाक्य नहीं होता है,
जब तक आप इसको किसी के संदर्भ में प्रयोग नहीं करोगे तो तब तक ये पूरा नहीं माना जाता। तो ये क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता है पूरा। अब देखो यहाँ पे तो मैं आपको बहुत बड़ी ट्रिक देने वाला हूँ, आप जिंदगी भर याद रखोगे इसे। तो इसमें से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब आप बताओ कि क्रिया कैसे पहचानोगे कि क्रिया है या नहीं है। ये चार शब्द दे रखे हैं आपको, दिख रहा है, हमेशा के लिए याद रख लेना, जिस भी शब्द के पीछे आप ना लगा दो और शब्द बन जाए तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ये आपकी 100% वाली ट्रिक बता रहा हूँ, 99 नहीं 100% चलेगा। और इस ट्रिक को लिख लेना, जैसे कमाई में क्या कर सकते हो, कमाना कर सकते हो, लड़ाना कर सकते हो, लड़ाना, अब पढ़ाना कर सकते हो, पढ़ाना। कभी आप इसमें ये कर सकते हो क्या, कभी ये नहीं कर सकते ना, भलाना, भलाना कभी आपने सुना है, नहीं सुना होगा। तो ये आपकी क्या नहीं है, ये क्रिया नहीं है, बाकी ये क्या है, क्रिया है। तो जहाँ पे भी शब्द के पीछे ना लग जाएगा, जहाँ पे क्या लग जाए, ना लग जाएगा, वो क्रिया बन जाएगी। इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे और ट्रिक इसको कॉपी में लिखेंगे, नहीं तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। अभी भलाई क्या है, ये भी है तो भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा, मगर ये क्रिया से नहीं बनी है, ये किससे बनी है, ये विशेषण होता है, क्या, विशेषण। जैसे आप देखो किसी भी कर्ता के साथ या किसी भी नाम के साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगा के देखो, राम भला इंसान है, कैसा इंसान है, भला, तो भला से करके क्या बन गया, भलाई, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, तो वो भाववाचक से क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। ये आपको अपवाद है, ये कोई नहीं बताएगा, अब मैं बताऊँ, इसे प्रूव करके बता दूँ। मैंने कहा बुराई, बुराई का बहुवचन क्या बनेगा, बुराइयाँ, बुराइयाँ, तो ये बुराई तो है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अगर आपसे कहते बुराइयाँ, ये क्या है आपकी, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा में ना आजकल ये ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल आप लिख लेना, जब भी भाववाचक का हम बहुवचन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाती है। तो इसे आप लिखेंगे, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। ये यथार्थ किस समास का उदाहरण है, यथार्थ किसका है, अव्ययीभाव का, यथा तथा, जहाँ पे प्रति, ये जहाँ पे अव्यय लग जाए वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। कौन सा पद प्रधान होता है, पहला या पूर्व, क्या, पूर्व, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे, सर पहले को पूर्व ही क्यों कहते हैं, सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से ही तो निकलता है, तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे, ठीक है। और यथार्थ का विलोम क्या होता है, कल्पित होता है, क्या होता है, कल्पित होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देंगे और इसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो हिंदी से रिलेटेड। मुँह तोड़, मुँह तोड़ का हो जाएगा, मुँह को तोड़, मुँह को तोड़, मुँह को तोड़, ये हो जाएगा मुँह को तोड़। और कर्ता ने कर्म को क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखो इसमें ही पूछ लेता कि तत्समय या तद्भव है, मुँह तोड़। अब जहाँ पे ये आ रहा है ना आपका, क्या आ रहा है, ये अनुनासिक आ रहा है। अनुनासिक क्या होता है, मुँह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा होता है आपका, ये तद्भव में आते हैं, जहाँ पे भी चंद्र बिंदु के साथ में आपको दिख जाए, हमेशा के लिए तद्भव है ये, कहीं पे भी हो केवल तद्भव ही करना है, ठीक है। पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा हो जाएगा, पाप पुण्य होता है, पाप और पुण्य दोनों पद इसके क्या है, प्रधान है, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और योजक चिन्ह, इसे जो बीच में हल्का सा होता है ना, ये भी पूछा गया है कि द्वंद्व समास में बीच में जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुबला पतला, दुबला पतला। अब आप सोच लेंगे दुबला और पतला तो आप द्वंद्व कर देंगे, ऐसी गलती मत करना, दुबला इंसान को ही तो पतला कहते हैं, दुबला और पतला एक होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दुबला पतला में है अव्ययीभाव समास, दुबला पतला। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोच रहे हो दुबला और पतला द्वंद्व होगा, द्वंद्व नहीं होगा, दुबला पतला अव्ययीभाव ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये दुबला और पतला एक ही चीज़ होती है, और जहाँ द्विरुक्ति, जहाँ द्विरुक्ति वाले शब्द होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव। ये दुबला पतला इस तरीके से है, जैसे दिन दिन, रात रात, जो मैं बताता हूँ ना आपको, जहाँ सेम होते हैं, तो ये दुबला और पतला एक ही है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ लोग कहेंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ,
अगर आपको केवल ये बोले कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा होती है रस। क्या होती है? रस। और अगर केशवदास के द्वारा पूछे कि केशवदास ने किसको काव्य की आत्मा कहा है, तो उन्होंने कहा है अलंकार को। किसको कहा है? अलंकार को। ठीक है, इस चीज को याद रखें, काव्य की आत्मा तो है रस, केशवदास के द्वारा है अलंकार। ठीक है, अब इसमें बताना है शुद्ध क्या है। शुद्ध प्रवज्य कैसे लिखा जाता है? प्रवज्य, प्रवज्य। ठीक है, पहला शुद्ध है। अब यहीं पे एक और ट्रिक दे दूं आपको, ये वाला वा और ये वाला वा, इन दोनों में अंतर क्या है? अब जब आप ये वाला वा बोलोगे ना, वा, तो इसमें आपके होठ होठ मिलने नहीं चाहिए। क्या? मिलने नहीं चाहिए एक दूसरे से। और ये वाला बा, ये क्या है? बा, इसमें मिलते हैं। इस वाले में कभी भी होठ नहीं मिलते हैं, इसमें होठ मिलते हैं दोनों आपके। ठीक है, अगर आपके होठ नहीं है, क्या नहीं, होठ नहीं है, तो आप इसको बिना ओष्ठ की मदद के बोल नहीं सकते, इस वाले बा को। और ये वाला तो बिना ओष्ठ की मदद के ही बोला जाता है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? तो ये होता है आपका सवैया। क्या होता है? सवैया होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और दोहा में कितनी मात्रा होती है? 13-11, पहले और तीसरे में 13, बाद वाले में दूसरे चौथे में 11। और दोहा का क्या होता है? उल्टा सोटा। क्या होता है? सोटा। ये अर्धक्षम मात्रिक संध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? पहले एक और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा का उल्टा होता है सोटा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन आ गया आपके पास, तो उसका आपने कर दिया त्याग, तो उसे कहेंगे आप अपरिग्रह। क्या कहेंगे? अपरिग्रह। अब देखो यहाँ पे भी इसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा तत्सम तत्व, आप हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन करना, यहाँ पे भी ये आ रहा है ना चंद बिंदु के साथ, तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। सांप सूंघना मतलब क्या हुआ? प्रसन्न होना। कैसे हो जाए सांप सामने देख लोगे? तो अगर ये सोचो सांप देख लिया आपने तो क्या हुए, और सांप कहते हैं ना किसी को, ये आपने काम कर दिया गलत, तो आपको कहें घर वाले सांप आपको डांट रहे, तो अब तो सांप सूंघ गया होगा तुझे। तो सांप सूंघने का मतलब होता है सहम जाना। क्या होता है? सहम जाना एकदम से, अरे यार पापा ने देख लिया और हम तो रोड पे खड़े थे दोस्तों के साथ, तो ये क्या कर दोगे आप, एकदम से सहम जाओगे। ठीक है, कि सांप सुन गया आप तो इसे। साक का तद्भव क्या होता है? अब एक चीज और यहाँ पर ट्रिक लिखो, ये वाला शा जब भी आएगा ये आपका किसमें हुआ? तत्सम में हुआ। और ये साक का किसमें बदल जाता है? ये इसमें बदल जाता है, ये वाले शा में। ठीक है, और आपका एक चीज और बता दूँ, छा आपका किसमें बदल जाता है? खा में बदल जाता है। किसमें? खा में बदल जाता है। तो इस साक का क्या हो जाएगा? साग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं आपके, सर्वनाम के भेद कितने? 6। और ये पूछे कि सर्वनाम होते कितने? सर्वनाम में आपके 11, और सर्वनाम के भेद हैं, ये क्या है? भेद हैं 6। और 6 कौन से होते हैं? अब मैंने इसकी एक ट्रिक मतलब पूरी लाइन बना रखी, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, तो प्रश्न करते पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। तो आगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अनिश्चय पूछ रहा है कौन सा है, तो अनिश्चय में क्या आ जाएगा? कोई। क्या आ जाएगा? कोई। कह रहे कोई आया था, कोई कौन आया था? अब इससे तो कंफर्म होता नहीं, तो कोई मतलब अनिश्चित है। ठीक है, कोई आएगा, कोई घर पर आएगा, अनिश्चित है ना, कोई भी आ जाएगा। 4 लोग हैं, 4 में से मैंने अपने 4 दोस्तों से कहा कि आज पार्टी है घर पर, तो 2 ने कहा कि हम दोनों में से आ सकते हैं, तो अब उन दोनों में से कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम। झरना का पर्यायवाची क्या है? झरना का सोता, निर्जर, स्रोत, 4 होते हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। आधा गांव के रचयिता कौन है? ट्रिक बताऊं, गांव के लोग कैसे होते हैं? गांव के होते हैं मासूम, मासूम होते हैं, क्योंकि दिल्ली या मुंबई जाते हैं ना, तो लोग उन्हें लूट लेते हैं गांव के लोगों को, या बेवकूफ़ बना देते हैं, चोर बाजार में उनका सामान लिया चोरी बेच देते हैं। तो आधा गाँव क्या होता है? राही, मासूम, रजा। आप आखिरी तक वीडियो देखा करो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बता देता हूँ मैं आपको। जिसे अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उसका क्या कहते हैं? ओ ऋण कहते हैं। क्या? ओ री ऋण, ओ ऋण, ओ ऋण। ठीक है, ये लिखना सीख लेना, ये आता है लिखने में भी आता है। अवाई, आई, अवाई, आई निकल रहा है ना, अपने आप बोल के देखो क्या निकल रहा है, प्रत्यय में क्या निकल रहा है? आई। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। कहाँ? पीछे। ठीक है, पासे प्रत्यय, पासे पीछे। ये क्या होते हैं आपके? शब्दांश होते हैं, ये भी पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं आपके। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब देखो मैंने कहा था कि भौ प्लस उक, ये क्या हो जाएगा? भावुक।
प्लस वन, अन, पवन, क्या हो जाता है पवन, तो इसे पोधनन, सॉरी पोधनन क्या हो जाएगा आपका, पवन हो जाएगा। जहां आपकी ए मात्रा न लग रही हो बड़े आ की, तो वहां तो आपकी एक मात्रा आती है, जहां ये बड़े आ की मात्रा लग जाती है, जैसे आप इसे देखिए, जैसे कि आपको भावुक, भावुक ये बड़े आ की मात्रा लग रही है, इसीलिए यहाँ पे दो मात्रा चढ़ती है ऊपर। इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब आप कहोगे सर आपने तो ऊपर बताया था स्वर 11 होते हैं, मगर कुछ चीजें ऑप्शन के हिसाब से भी करनी पड़ती है। इस ऑप्शन में दे रखा है ज्यादा से ज्यादा 10, तो अब यहाँ पे 11 दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे 11 लगा देंगे ऑप्शन, और आपको पेपर में तो टिक करना है ना, तो ऐसे अगर पेपर में आ जाए तो आप 10 लगाएंगे। अब ये पता है क्या हो सकता है, ये किसी भी गुरु जी के हिसाब से माना जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु जी ने कहे होंगे या कोई अन्य गुरु जी हिंदी के व्याकरणाचार्य जी ने कहे होंगे, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। विद्वान किसका पर्यायवाची है, विद्वान पर्यायवाची है कोविद का, अपने है ना रामनाथ कोविद जी, तो उसी का वो क्या है विद्वान है, ऐसे याद रखें। इसीलिए तो राष्ट्रपति क्या होते हैं सबसे ज्यादा विद्वान होते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है, तो हिरण का कुरंग, हिरण और सारंगी सारे हो जाएंगे। पंचरत्न का समास विक्रिया क्या होगा, पांच रत्नों का समूह, क्या हो जाएगा पांच रत्नों का समूह। इसी के साथ ये लास्ट के आपके कुछ क्वेश्चन और रह गए, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जय, क्या कहेंगे दुर्जय। पर आंख नहीं भरी, आंख नहीं भरी मतलब आंख किसकी नहीं भरेगी, दो आंख होंगी तो सबकी भर जाएंगी, तीन आंख होंगी तो उसकी एक खाली रह जाएगी ना, तो शिव जी की कितनी आंख है, तीन आंख है, तो इनकी आंखें नहीं भरी, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो रहा है। प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसे शेयर कर देंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आप लोगों के लिए और मेहनत की जाए। और कमेंट बॉक्स में जो आज का क्वेश्चन है वो आप ये बताएंगे कि विशेषण, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने। ऑप्शन है आपका पहला एक एक, बी है चार, सी है पाँच और डी है आपका सात। तो इसमें ऑप्शन बता देंगे आप विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आज का आपका क्वेश्चन है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।